नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के चलते हरियाणा में अनिल विज को लेकर काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में अब हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, अगर सरकार को गिराया जाए तो हम सरकार गिराने में बाहर से समर्थन करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने से प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। सीएम नायब सिंह सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उन्हें बहुमत पेश करना चाहिए। राज्यपाल से लिखित में आग्रह करेंगे कि 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और 3 समर्थन वापस ले चुके हैं। सरकार के पास 5 विधायक कम हो चुके हैं, ऐसे में राज्यपाल सरकार को बहुमत परीक्षा पास करने को कहें। नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि आज के गणित के हिसाब से कदम उठाया जाए तो हम चुनाव के दौरान ही सरकार को गिराने में सहयोग देने पर पूरी तरह से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि जेजेपी की टिकट पर चुनकर आए सभी विधायकों को वीप के अनुसार वोट देने होंगे। हमने 3 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है, अभी तक उनकी ओर से जवाब नहीं आया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि का रिकॉर्ड हमारे पास है, हमारे पास 3 विधायकों की वीडियो रिकॉर्डिंग और पोस्टर हैं। मीडिया के पूछने पर भी दुष्यंत चौटाला ने इन विधायकों का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ हमारे पास भी रहने दो। बताया जा रहा है कि जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा तथा देवेंद्र बबली को नोटिस जारी किए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले हम 3 विधायकों पर कार्रवाई करेंगे। नियम के अनुसार पहले विधायक को नोटिस जारी कर जवाब लेना होता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।